Rajendra Nagar niyojakavargam Kondapurlo Minorities sadasyulu Mantri KTR matladutunnaru ippudu live chuddam. वहां पे खाली मटकों का हड़ताल होता था, वहां पे धरना होता था. आज जब से केसीआर साहब ने सत्ता संभाला, किसी को वहां हड़ताल करने का मौका तक हमने नहीं दिया. पानी का सहूलत आज 90% प्रॉब्लम हैदराबाद में सॉल्व हो गया. इसके अलावा बहुत सारे तरक्की, बहुत सारा रोजगारी मौके, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट. इसके अलावा डबल बेडरूम की जो बात हमने, डबल बेडरूम की जो वादा हमने की, 1 लाख डबल बेडरूम घर आज बन रहे हैं. हम 9 महीने पहले ही इलेक्शन में चले गए, इसलिए ज्यादा लोगों को मिला नहीं. बट मैं आप सबसे वादा करता हूं, जो गरीब, जो लाचार, जो जिनके पास खुद का मकान नहीं है, उन सबको डबल बेडरूम घर जरूर केसीआर साहब की गवर्नमेंट दिलाएगी. आप सबके साथ इंसाफ करेगी, मैं वादा करता हूं. 1 लाख से, 1 लाख घरों से, 1 लाख मकानों से आप सबका, आप सबके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे. एक डबल बेडरूम मकान बनाने की जो प्रोग्राम है, ये चलने वाला प्रोग्राम है, ये रुकने वाला प्रोग्राम नहीं है. जब तक हर गरीब को मकान नहीं मिलता, जब तक हर किसी के साथ इंसाफ नहीं होगा, तब तक ये प्रोग्राम चलेगा. मैं आप सबसे बस इतना ही कहते हुए, मैं फिर से हमारे बाबा फसीउद्दीन और हमारे एमएलए साहब गांधी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं. मैं उम्मीद करता हूं 7 दिसंबर को फिर जब इलेक्शन के टाइम पे आपको वोट देने का मौका मिलेगा, जिन्होंने आपके लिए काम किया, जिन्होंने पूरी तरह से आपका हिफाजत किया, जिन्होंने पूरी तरह से आपके साथ 4 सालों में इंसाफ करने की कोशिश की, केसीआर साहब का और गांधी साहब का आप मदद करेंगे और कार के निशान पे वोट देके बहुत बड़ी तादाद से, बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ गांधी साहब को जिताएंगे. मैं उम्मीद करते हुए आप सबसे विदा लेता हूं. जय तेलंगाना. बहुत बहुत शुक्रिया ना, आप मुस्तकबिल तेलंगाना हैं, आपसे कई उम्मीदें हैं जो ने आपने अखिलेश तरक्की के लिए जो आपने बताया, और आने वाले दिनों में जो अखिलेश तरक्की के लिए आपने बताया, जरूर अखिलेश मुसलमान पूरे आपके साथ हैं, क्योंकि आज उसका मुजाहरा ही इतने तकरीबन 4 घंटे से आपका, 4.5 घंटे से आपका इंतजार करना, जो आप समझ सकते हैं कि आपसे अखिलेश कितनी मोहब्बत रखते हैं. जरूर अभी तेलंगाना मुसलमानों की दिल की धड़कन, डिप्टी सीएम महमूद अली साहब आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सदर जलसा हमीद पटेल साहब और हमारे डायनेमिक लीडर, जो इसका चर्चा हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में, हमारे यंग लीडर केटी रामाराव साहब, जो अभी आपको मुखातिब फरमाए, वो हमारे म्युनिसिपल मिनिस्टर है, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है, आईटी मिनिस्टर है. आज हमारे लिए काफी इंडस्ट्रीज यहाँ पर इस स्टेट में आ रहे हैं. मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ. और आपके हरदीप अजीज एमएलए शेर लिंगमपल्ली के शेर आर के फोटी गांधी साहब, यकीनन उनका नाम के साथ गांधी जुड़ा हुआ है, वो गांधी के सिफत के ही मालिक है. लोगों में बड़ी मोहब्बत करते हैं, प्यार से रहते हैं, सेकुलरिज्म का मुजाहरा करते हैं, और आज शेर लिंगमपल्ली में हर कोई उन्हें बाइज्जत तरीके से नाम लेता है. कई लोगों से मैंने मिला है, हर कोई यही कहता है कि गांधी साहब बहुत अच्छे तरीके से हमारे इस कांस्टिट्यूंसी को डेवलप कर रहे हैं. इंशाल्लाह ताला इसी तरह वो डेवलप करते रहेंगे. हमारे फसीउद्दीन बाबा साहब जो हमारे डिप्टी मेयर है डायनेमिक, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ इस मीटिंग के, उन्होंने काफी अच्छे इंतजाम किए. और श्रीमती सुजाता नागेदन साहिबा सोशल वेलफेयर बोर्ड चेयरमैन, जनाब इनायत अली बाखरी साहब सेटविन चेयरमैन, जनाब अरशद भाई साहब, अमानुल्लाह खान साहब ऑटो यूनियन चेयरमैन, और मेरे कारपोरेटर्स भाई नागेंद्र यादव साहब, जगदेश्वर गौड़ साहब, श्रीमती पुजाता जगदेश्वर साहिबा, वेंकटेश गौड़ साहब, श्रीमती लक्ष्मीबाई साहिबा, सत्यनारायण साहब, मोहतरमा बी नविता रेड्डी साहिबा, सबिया साहब, शेख रमेश साहब, साई बाबा साहब, शेख रमेश साहब, जानिक राना राजू साहब, और बाबू भाई साहब, सत्तार भाई साहब, रहीम साहब, अख्तर साहब, चांद पाशा साहब, साजिद भाई साहब, और डैस पर बैठे हुए मेरे तमाम भाइयों और बुजुर्गों, इस प्रोग्राम में आए हुए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, और खासतौर से मीटिंग में हमारे उलमा हजरात भी मौजूद है. जिस मीटिंग में उलमा रहते हैं, वहाँ यकीनन फरिश्ते भी मौजूद रहते हैं. तो मेरे भाइयों से मैं 2-3 बात बताना चाहता हूँ.
सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, सारे हिंदुस्तान में सबसे सेकुलर स्टेट है तो ये तेलंगाना स्टेट है, और सबसे सेकुलर कायद है वो केसीआर साहब है। आज हमारी स्टेट हिंदुस्तान में जिस तेजी से तरक्की कर रही है, जिस वेलफेयर का काम हमारी स्टेट में हो रहा है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती।